इस मंच से मैं बीड़ा वादिनी को सादर प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे बैठे आदरणीय नमदार भैया, प्रशांत भैया, दान बहादुर भैया और रमेश ठाकुर भैया जी को की चरणों में सादर प्रणाम। और यहाँ पे हमारे सर बैठे हैं, मैं बैठी है और आप सब मेरे प्यारे भाई हैं। तो आप सब जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहूंगा और जो छोटे हैं उनसे मेरा प्यार उन सबको। और ये बहुत खूबसूरत महफिल है और ये आजादी का 75वां महोत्सव, आजादी का दिवस है। तो मुझे ये दो पंक्तियां मैं बनारस के चरणों में समर्पित करता हूँ आप लोगों के हवाले से, चूंकि इतनी सुंदर महफिल बैठी है और इतने अच्छे कवि बैठे हैं जिनको सुनने सुन के हम लोग बड़े होते हैं, सीखते हैं। तो प्रशांत भैया, दान भैया, सुनिए कि ये आन की भूमि है, ये स्वाभिमान की भूमि है, ये आन की भूमि है, ये स्वाभिमान की भूमि है, बनारस कवियों की धरती है और भगवान की भूमि है, बनारस कवियों की धरती है और भगवान की भूमि है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे इमरान साहब की चार पंक्तियां याद आ रही है मुझे तिरंगे को देख कर कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। आप लोगों के हवाले से माँ भारती के चरणों में समर्पित चार पंक्तियां और तवज्जो चाहूंगा आप सबों से कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों पर तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। बहुत बहुत शुक्रिया। और रितेश भाई ने अभी फौजियों की बात की और मेरा बैकग्राउंड उसी से रहा है, पापा और पुलिस से और दादाजी आर्मी से रहे हैं दान भैया। तो ऐसे दो पंक्तियां कि फौजियों के लिए, कि फौजियों के लिए ना सुबह ना शाम होती है, फौजियों के लिए ना सुबह ना शाम होती है, जब तलक है जिंदगी वतन के नाम होती है, जब तलक है जिंदगी वतन के नाम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अपनी कविता है उसे मैं पढ़ के, और ये कविता है वीरों ने लड़ा बहुत नाम है, तो उससे कुछ हम लोग पीछे चलते हैं इतिहास के लिए, जो हीरो रहे हमारे लिए महाराणा प्रताप, जो हमारे आइकन रहे सर, तो उनके चरणों में और पंक्तियां निवेदन करता हूँ आप सबसे तवज्जो चाहूंगा कि वो भी हमारे देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसे सुनिएगा और संगीदी से और मुझे तालियों से नवाजिएगा ताकि मैं और अच्छे से कविता पढ़ पाऊं कि पुरखों की विरासत जिंदा है फिर कैसा संताप है जी, पुरखों की विरासत जिंदा है फिर कैसा संताप है जी, स्वाभिमान से कभी ना समझौता होगा वो महाराणा प्रताप है जी, स्वाभिमान से कभी ना समझौता होगा वो महाराणा प्रताप है जी। चलती थी तलवारें समर में शत्रु भी थराता था, अरे चलती थी तलवारें समर में शत्रु भी थराता था, अरे हिम्मत किसमें थी अकबर सामने कहाँ आता था, अरे हिम्मत किसमें थी अकबर सामने कहाँ आता था, मेवाड़ की रक्षा है तू लहू का कतरा कतरा बांट दिया, मेवाड़ की रक्षा है तू लहू का कतरा कतरा बांट दिया, बहलोल खान को एक वार में घोड़े समेत काट दिया, बहलोल खान को एक वार में घोड़े समेत काट दिया, अखियन से अंगार बहे ललकार शेर की भांति थी, अखियन से अंगार बहे ललकार शेर की भांति थी, एक भी वार ना पीठ सहे छलनी केवल छाती थी, एक दीवार ना पीठ सहे छलनी केवल छाती थी, और चेतक जैसा स्वामित्व कहां अब जग में मिल पाएगा। उनके महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद और जो अकबर कैद करके अपने महल में ले गया था, और वो 29वें दिन तक हाथी की मौत हो गई थी, कुछ खाया पिया नहीं था, तब अकबर ने कहा कि जब ये हाथी मेरे सामने नहीं झुक पाया तो महाराणा प्रताप कैसे झुक पाएंगे। तो उसमें से ये पंक्तियां वहीं से जन्म लेती है कि चेतक जैसा स्वामित्व कहां अब जग में मिल पाएगा, राम प्रसाद हाथी जैसा उनके महल में ना खिल पाएगा, राम प्रसाद हाथी उनके महल में ना खिल पाएगा, अनेक वीरों को जन्म दिया वो राजस्थान की माटी थी। इसमें सबकी तालियों से तालियां चाहूंगा इसमें सबकी इस पंक्ति पे कि अनेक वीरों को जन्म दिया वो राजस्थान की माटी थी, मुगलों के समक्ष न शीश झुके वो राणा और हल्दी खाती थी, मुगलों के समक्ष न शीश झुका वो राणा और हल्दी खाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कशिश जो मन
में रह जाती है महाराणा प्रताप की। वो कहते हैं अपने भाइयों से कि भ्राता भले तुम साथ ना देते करते ना मुगलों के अभिनंदन तुम, भ्राता भले तुम साथ ना देते करते ना मुगलों के अभिनंदन तुम, उनके सर काट तुम्हारे समक्ष रख देता करते फिरते जगबंधन तुम, उनका सिर काट तुम्हारे समक्ष रख देता करते फिरते जगबंधन तुम। और स्वाभिमानी कुल पे स्वाभिमानी कुल के दामन पर लगी एक काली स्याही थी, स्वाभिमानी कुल के दामन पर लगी एक काली स्याही थी, कुछ अपने स्वार्थ खातिर दुश्मनों से बेटियां ब्याही थी। और फिर देखो राणा ने उनके पात्र पर ना हाथ धोया ना कुछ खाया पिया था, बंदगी की जिंदगी पसंद ना थी, जितने दिन बसेर के माफिक जिया था, जितने दिन बसेर के माफिक जिया था। और आगे पंक्ति आएगी, इतिहास तो लिखा जाता है त्याग तपस्या और बलिदानों से, इतिहास तो लिखा जाता है त्याग तपस्या और बलिदानों से, शमशीर तो बसवार करती है जंग जीता जाता स्वाभिमानों से, शमशीर तो बसवार करती है जंग जीता जाता स्वाभिमानों से। और ये नई पिया जो हमारे सामने बैठी है उनके लिए एक मैसेज है कि इन नई पीढ़ियों को बताऊंगा, इन नई पीढ़ियों को बताऊंगा महाराणा प्रताप के ऊपर कलाम लिखूंगा, इन नई पीढ़ियों को बताऊंगा महाराणा प्रताप के ऊपर कलाम लिखूंगा, सत सत नमन उस वीर को नतमस्तक हो सलाम लिखूंगा, सत सत नमन उस वीर को नतमस्तक हो सलाम लिखूंगा। और कुछ मैंने लिखा है तरन्नुम में, एक कविता छोटी सी कविता सर कुछ लाइन की, उसे पढ़ के मैं और अपना जगह लूंगा क्योंकि समय का तकाजा है। ऐसे था कि तू तिरंगा नहीं सनम है मेरा, तू तिरंगा नहीं सनम है मेरा, उनसे अच्छा और प्यारा वतन है मेरा, उनसे अच्छा और प्यारा वतन है मेरा, तू तिरंगा नहीं सनम है मेरा, जिनको सदियों से मिलकर उजाड़ा गया, जिसको सदियों से मिलकर उजाड़ा गया, फिर भी हंसता और खिलता चमन है मेरा, फिर भी हंसता और खिलता चमन है मेरा। और कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि जब जब सियासत ये साहित्य के मंच पर आए तो सियासत की जुतियां जो सीढ़ियों को उतार के आए, तो एक मैसेज है और ऐसे है कि एक आशा लिए उस डगर पे चले, एक आशा लिए उस डगर पे चले, हिंदुस्तान खुश रहे उस सफर पे चले। सबका दायित्व है दान भैया और सबका दान दायित्व है कि हिंदुस्तान बस हमारे कर्मों से खुश रहे और उसके प्रगति में हमारा कोई भी कदम होना चाहिए। कि एक आशा लिए उस डगर पे चले, हिंदुस्तान खुश रहे उस सफर पे चले, हुक्मरानों के आदेश पे चलता नहीं, मखमली गलियों से अच्छा कहर पे चले, मखमली गलियों से अच्छा कहर पे चले, सब सब के यहाँ और सब है तेरा, तू तिरंगा नहीं सनम है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।